हेलोइनेस हीरोस, हीरोस मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो लोग अपनी राह से भटके हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं आखिर में, जिसे पाके वो एक अमेजिंग लाइफ जी सके। तो हीरोस, अगर आपकी भी सेम दशा हुई पड़ी है कि भाई आखिर में करो तो करो क्या अपनी लाइफ में, तो हीरोस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और हीरोस 101% इस वीडियो के बाद आपका एक क्लियर डायरेक्शन और एक क्लियर वे बन जाएगा अपनी लाइफ में कि भाई मुझे करना क्या है आखिर अपनी जिंदगी में। तो हीरोस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। तो हीरोस, मुझे पता है कि आपके दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होंगे, वो परेशानी, वो टेंशन वाले थॉट्स, या फिर अपने अपनी लाइफ के बारे में थॉट्स चल रहे होंगे। तो हीरोस, ये तो पता है कि आप भी उन लोगों में से हो जो सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे करें, क्या करें। तो हीरोस, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होती है कि उनके बहुत सारे सपने होते हैं कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। लेकिन वो हमेशा एक कंफ्यूजन में फंसे पड़े रहते हैं कि आखिर इतने सारे सपनों में से हम वो कौन सा सपना चूज करें जिससे हमारी लाइफ बन सकती है, या फिर जिसके लिए हम बने हैं आखिर में, वो एक सपना, वो एक मकसद आखिर कौन सा है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि हम सब कुछ नहीं बन सकते जो हमने सोचा है, जैसे कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, या फिर मुझे पायलट बनना है। तो हीरोस, इन तीनों सपनों में से आप तीनों के लिए नहीं बने हो, आप इन तीनों में से सिर्फ एक के लिए बने हो। और ये आपको भी पता है, और ये एक बात आप क्लियरली समझ जाओ कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट है या फिर जिस काम के लिए आप पैशनेट हो, वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि एक तो वो काम होता है जो सिर्फ आपको करने में अच्छा लगता है, और एक काम जिसके लिए आप बने हुए हो, उसके लिए आप पागल भी बन सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो उस काम को पाने के लिए। और उस काम को पाने के लिए आप किसी को भी कुर्बान कर सकते हो, अपनी प्यारी से भी प्यारी चीज को आप कुर्बान कर सकते हो, छोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उस काम को पाने के लिए। तो वो काम है आपका डायरेक्शन, आपका लाइफ का डायरेक्शन। ये सिर्फ एक काम है जिसके लिए आप एक्चुअली बने हुए हो, बाकी जो सारे थॉट्स या फिर सपने आपके जो दिमाग में है वो सब फालतू वेस्ट है। हीरोज, में आपको फिर से यह लाइन याद दिलाना चाहता हूँ कि जिंदगी में बाप और लक्ष्य एक ही होना चाहिए। क्योंकि दो बाप का बेटा कभी खुशी से अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, और ना ही वो लोग जिनके जिंदगी में दो लक्ष्य होते हैं। तो हीरोज, आराम से अपना टाइम लो, सोचो बार बार कि आखिर में आपको बनना क्या है, आपका मकसद क्या है, इस काम के लिए आप पैदा हुए हो आखिर में। और कितना भी बड़ा आदमी भले ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो भी आपको नहीं बता सकता कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपका मकसद, आपका लक्ष्य क्या है, सिवाय आपके खुद के। आप ही एक अकेले इंसान हो जो खुद को पूरी तरह से जानते हैं। तो आराम से अपना टाइम लो, टाइम स्पेंड करो खुद के साथ थोड़ा, और सोचो। लेकिन एक बार आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो याद रखना फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि बढ़ चले हैं वो कदम, अब नहीं रुकेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जब तक उस लक्ष्य को पाना लूं मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, नींद चैन सबको कुर्बान कर दूंगा उसके लिए, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। और ये एटीट्यूड जब आपके अंदर आ जाएगा तो आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, किसी का सहारा आपको नहीं चाहिए होगा, और इस दुनिया में किसी का बाप नहीं है जो आपको रोक सके कामयाब होने से। सो दैट इज जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।